अस्सलाम वालेकुम जी, आज संडे का दिन है और पहली बात यह है कि मैं बहुत अरसे से व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, नहीं वो आगे से मुझे आवाज़ आई है आज सैटरडे का दिन है। अच्छा, पहली बात यह है कि बड़े अरसे से व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, थोड़ा बिजी था, तो मैंने सोचा कि आज जो है नॉर्मल व्लॉग बना लेते हैं। इस टाइम सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ एक जगह पर साइकिल लेने के लिए। मेरे साथ बाकी फेलोज़ भी हैं आगे, वो भी कैमरे में नहीं आना चाह रहे क्योंकि वो कहते हैं हर तरह के सब्सक्राइबर्स नहीं है तो हमारे आने का फ़ायदा नहीं है। अब मैं आपको एक शख्सियत से मिलाना चाहूँगा, ये हमारे मुर्शद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट रफीज भाई, रुकी साइकिल का वो फेस्टिवल किधर है? तो मुझे तो लग रहा है ये लकी आ नहीं सकते ये देखे जी। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे साइकिल मार्केट में साइकिल ख़रीदने के लिए। लोग यहाँ पे अपनी साइकिल लेके पहुंच गए हैं बेचने के लिए साइकिल। ये कितना की 59 साइकिल की? एक वहाँ पसंद आई है मुझे, लेकिन वो 200-300 की है भाई, इतनी महंगी लाइन है ये वाली। 370 की साइकिल है यार ये, मैं 320 की, इसकी तो पाकिस्तान की टिकट आ जाएगी। ऐसी है ये वाली साइकिल, लेकिन ये बहुत महंगी है। अच्छा मुझे ये वाली बता दें, मेरा ये वाली ज़रा देख रहा हूँ मैं, ये ग्रीन वाली, इसका बता दें आप। यार देखें यहाँ पे फुल धूप है, फुल गर्मी है और ये सामने पहाड़ों पे धुंध है फुल। यही यहाँ की ज़बरदस्त मौसम की स्पेशलिटी है। पता लगा ये लड़कियों के लिए होती है और इस तरह वाली साइकिल लड़कों के लिए होती है। आप डिफरेंस देख लें और कि वो लड़कियों के लिए होती नहीं है। ये लोग गूगल कर लेंगे ना खुद। अच्छा इस टाइम जो है मैं साइकिल ट्राई कर रहा हूँ, ये साइकिल मुझे अच्छी लगी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन बार्गेनिंग करते हैं, देखते हैं मानता है कि नहीं, लेकिन ये साइकिल मुझे थोड़ी अच्छी लगी है। देर हो गई है हमें ना यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही बाइक पसंद आई है, लेनी हमने तीन है। टाइम 10 बज गए हैं, 2 घंटे से मैं साइकिल ढूंढ रहा था, एक पसंद आ गई। तो जब मैं पेमेंट करने गया तो पता लगा कि वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं यहाँ पैसे निकलवाने आया हूँ। भाई ने साइकिल का जो है वो डील फाइनल कर ली है और इस वक्त वो सिग्नेचर कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर फीस पर इसकी फाइनल प्राइस भी चेक कर लें। So, Hafiz bhai, are you excited? No, I'm not excited. It's very, very expensive for me. मैंने साइकिल ख़रीद ली है और इन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की है, ये भी रिव्यू भी देंगे कि ये साइकिल इन्होंने क्यों चूज़ की। आज का दिन हमारे लिए बड़ा सक्सेसफुल रहा। अकॉर्डिंग टू मी आज हमने काफ़ी अच्छी डील जो है वो साइन कर ली है, तो आज यहाँ पर एक जमे गफील था साइकिल्स का और लेकिन हमें आउट ऑफ ऑल हमें ये साइकिल जो है हमने फाइनल की है। इसके कुछ रीज़न्स हैं कि एक तो ये बड़ी लाइट वेट है और चूंकि हम लोगों का गोल ये है कि हमने सिटी के अंदर जो है प्लान है, मैं कहता हूँ फीस भाई ये विंटर्स ही आपकी निकाल देगी, परफेक्ट निकालेगी। और तो विंटर में कितना टेम्परेचर होता है जिसमें ये निकाल जाएगी? विंटर में होता है जी -10 तक चला जाता है। मोबाइल छोड़ जाएँ, लैपटॉप छोड़ जाएँ, वॉलेट छोड़ जाएँ, 3 दिन भी आएंगे बाद आएंगे वहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर आपने अपनी साइकिल छोड़ दी, यहाँ पर लोग कहते हैं कि खाली साइकिल तो खुली तिजोरी की तरह, मतलब कि आप आए रात को छोड़ के जाएँ सुबह, या तो उसका एक टायर नहीं होगा या उसकी सीट नहीं होगी। गियर्स भी आए यहाँ पे, इसके 5 गियर्स हैं, 7 गियर्स हैं, 7 गियर्स हैं, 7 गियर्स हैं और फ्रंट 2 गियर्स हैं, तो इन टोटल ये आपके। अच्छा ये मुझे गियर्स की कहानी बिल्कुल नहीं पता, ये 2 जो आगे हैं ये मैं आपसे बाद में समझ लूंगा। हाँ टोटल इन टोटल इसको 7x2 करें तो ये 14 गियर्स बनते हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा सक्सेसफुल रहा। वो जो बाइक जो हमने अभी सुबह सुबह खरीदी है और जिसकी हमने डील करके आपको इतनी तारीफों के पुल बांधे थे हमने, ये देखें ये अब कैसे जा रही है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ये हमारे 2 भाइयों ने प्ले किया, ये हफीज भाई जैसे पर्सनालिटी को पीछे बिठा दिया इसके स्टैंड पे, जिसके बारे में वहाँ लोग कह रहे थे कि 25 किलो से ज़्यादा की चीज़ नहीं हमें रखनी, उस पर हमने अलहमदुलिल्लाह 125 किलो की चीज़ रखी। इसको ज़रा नीचे रखें यहाँ से कुछ ज़्यादा। अरे
दिखाइए जरा इसको रख के नीचे। गुड हो गया। तो अब हम वर्कशॉप जा रहे हैं इसको दिखाने के लिए, तो प्रॉबेबली मुझे लगता है कि जितने की साइकिल खरीदी है उतने ही पैसे और दे के हमें इसका पूरा फ्रेम चेंज कराना पड़ेगा। वर्कशॉप पे ले आए, ये लेके आए हजर, बोले हैं कुछ। अभी हमने रिक्वेस्ट किया कि बीइंग अ स्टूडेंट हमें सबसे चीपेस्ट ऑप्शन सजेस्ट की जाए, तो ये हमारे एक्सपर्ट हैं, ही इज लुकिंग राइट नाउ, ही इज सर्चिंग इन द इंटरनेट कि हमारे लिए क्या सबसे सस्ता वीक। तो सीन ये है जी कि पूरे का पूरा वीक नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। यस यू शुड बी थैंकफुल कि उसका गियर बॉक्स वगैरह बाकी सब चीज़ें बच गई। हुआ ये था कि मैं बस पीछे बैठा था और वो वजन से फर्क हो गई। एंड वी आल्सो हैव अ स्पेशलिस्ट हु विल गो एंड फिक्स अप दिस बाइक सो इट इज गेट योर हैंड। यार ये अब हम नाश्ता करने के लिए आए हैं, थक गए थे, तो मैं कॉफ़ी अब ये मुझे पिलाएंगे। यार यहाँ पे ना सर्दियाँ आ रही हैं, उसके लिए शॉपिंग करनी थी, हम लोगों को जैकेट लेनी थी, क्योंकि जो पाकिस्तान से जैकेट आती है ना वो यहाँ पे रिजिस्टेबल नहीं है। इस वक्त हम इस वक्त वैसे तो चिकन लेने जा रहे थे, आज हमारा बिरयानी का सीन है, चिकन बिरयानी का सीन था, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ शादी का सीन मिल गया है, तो मेरे ख्याल में कि आज हम रोटी शोटी यहीं कर लेते हैं। तो हफीज़ भाई क्या मेन्यू में क्या नज़र आ रहा है आपको? गुड़ के पूड़े। यह है कि सामान वगैरह बिरयानी का मैं ले आया हूँ, दो तीन घंटे में सो जाऊँगा, फिर उठूँगा बिरयानी बनाऊँगा, और मैं व्लॉग एक्सटेंड नहीं करना चाहता कि बिरयानी बन रही है और हम खा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज का व्लॉग यहीं कंक्लूड किया जाए, जो हुआ इसे सबक सीखा जाए और सदका दिया जाए। तो यार फिर इजाज़त दें जी, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का दिन हमारे लिए बड़ा सक्सेसफुल रहा, 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 आज का दिन हमारे लिए बड़ा सक्सेसफुल।